खाता नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 2 दबाएं। या पैसे भेजने के लिए लाभार्थी खाता संख्या दर्ज करें। आप ट्रांसफर कर रहे हैं 1000 रुपए। बहुत बढ़िया, आपका ट्रांजैक्शन सफल रहा। किस तरह से अकाउंट नंबर के माध्यम से सिर्फ आप कॉल करके किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, ये UPI 123 Pay के यूज करके आप किसी को भी एक कॉल करके सिर्फ अकाउंट नंबर के माध्यम से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि आप UPI 123 Pay के यूज करके आप UPI पिन बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी के मोबाइल नंबर पे आप पैसा भेज सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर से आपको कॉल लगाना है। जो आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी से कॉल लगाना है और यहाँ पे आप भी आसानी तरीके से मनी ट्रांसफ़र कर सकते। और ये छोटे वाले फ़ोन यानी कि कीपैड वाले फ़ोन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक पे लगभग 3 वीडियो बन चुके हैं और किस तरह से आपको UPI सेटअप करना है तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी तरह से कॉल करके आप UPI सेटअप कर सकते हैं। कुमार पंडित, अल्ट्रा कैश भीम वॉइस में आपका स्वागत है। अब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। रिचार्ज करें अपने मोबाइल को या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं। अपना अकाउंट मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं। खाता नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 2 दबाएं। बीप मेन्यू बीप के बाद कृपया उस लाभार्थी बैंक का नाम बोलें जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कृपया पैसे भेजने के लिए लाभार्थी खाता संख्या दर्ज करें। वो राशि दर्ज करें जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप ट्रांसफर कर रहे हैं 1000 रुपए को। मिस्टर मिथुन कुमार पंडित, कृपया 4 अंकों का UPI पिन दर्ज करें आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक है 07। आपका ट्रांजैक्शन सफल रहा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ एक SMS आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। तो दोस्तों देखिए, मैसेज में भी आ चुका है कि 1000 रुपया आपके खाते से ट्रांसफर हो गया है। साथ दबाएं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के लिए। आपके पिछले 5 ट्रांजैक्शन जांचने के लिए 1 दबाएं। या तो कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपकी ट्रांजैक्शन की जाँच कर रही हूँ। ट्रांजैक्शन की डेट थी 16 मार्च 2022 और समय था 9:57। ट्रांजैक्शन 1000 रुपए को भुगतान किया गया। और फाइनली हम पेटीएम पेमेंट बैंक में जाते हैं और आप यहां पे देख सकते हैं 1000 रुपया यहां पे ट्रांसफर हो चुका है। कीमती समय निकाल के इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं।